देखिए दुर्राटे काट रही है ओम फो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए, चुस्त हो गए, ब्रुस्त हो गए। तो अब मैंने आपको एक दिन वीडियो मेरी कुछ दिनों पहले आई थी जो वर्कआउट और प्लस डाइट के बारे में थी, उसमें मैंने आपको वो बताया होगा कि मैंने ऐसा आपको पूरा वर्कआउट के बारे में बताया था और डाइट के बारे में भी। तो मैंने बताया था आपको मिड वर्कआउट में आपको एक ड्रिंक पीनी है, वो थी मुनक्खा का पानी। तो आज मैं आपको बताता हूँ पूरे मुनक्खे का पानी कैसे, उसके शुरू से लेकर एंड तक उसे कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे पीते हैं, तो उसका मैं आज आपको पूरा बताऊँगा। तो आपको लेने हैं शुरू शुरू में, अगर आप कर रहे हो तो रुक जाओ पहले। तो गाइस सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, वो नहीं तो नेचुरल चीज है, आपको भी करनी चाहिए। आपका अगर आप कहीं बाहर हो तो फिर पाचन शक्ति कंट्रोल मत करना, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये अगर आपको आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हो तो आपका गैस बन रही है फिर। तो हम कहाँ थे? बैक टू द पॉइंट, सीरियस हो जाते हैं हम। तो हाँ, मैं मनुखे के ड्रिंक पे था। तो आप अगर शुरू शुरू में ले रहे हो तो चलो शुरू का नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ। आपको 50 से 60 मनुखे लेने हैं, उनको पानी में भिगोना है। एक जैसे अब रात हो रही है तो रात को भिगो देना है, आपको सुबह पीसने तो, और फिर उनको भिगो देना है। फिर भिगोने के बाद मिक्सी में उनको जग में डालो, फिर ऑन करो, वो पिस जाएंगे। फिर जैसे बादाम छानते हैं वैसे छानना है उनको। एक छन्ना ले लिया सॉपी टाइप कपड़ा, उसमें वो मिक्सी का जग सारा जो भी है मनुखे वो डाल दिए, और फिर उसको पानी से छान लिया। और हम आराम मिल्क कह रहा हूँ, मुनक्खा ड्रिंक पानी वो तैयार हो चुका है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। अच्छा, प्रैक्टिकल भी दिखाएगा? हाँ। मुझे लगा सिर्फ बताएगा। ये प्रैक्टिकल, मैं आपको पता कितना प्रैक्टिकल हूँ। तो ये रहे मुनक्खे, देख सकते हो ये मुनक्खे हैं। तो चलिए इनको भिजोते हैं, भिगोते हैं। ये रही कचौरी, इसमें कर लेता हूँ मैं पानी। आरओ का पानी करेंगे, नॉर्मल टंकी का पानी नहीं कर सकते गाइस। ये हमारी आरओ की है टंकी, और इसमें ये पाइप यहाँ नीचे जा रही है, और हट साइड ये रहा आरओ, और इसमें से पाइप में से यहाँ पानी टंकी में से निकल आता है। तो अब इसमें पानी में गिन के डालने हैं 50-60 मुनक्खे। तो चलिए डालते हैं, गिनोगी? 1, 2, 3 56, 57, 58, 59, 60, 61 तो हो चुके हैं 50-60 बादाम पूरे। अब इस डिब्बे को रख देता हूँ मैं नीचे, और अब इनको रख देता हूँ मैं ढक के। इनसे मिलेंगे हम सुबह। अब इनको रात भर भिगो गीले मतलब क्या कहते हैं भिजोने के लिए, भिगोने इनको फूलने के लिए रख देते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे सुबह उठकर, जब हम जाएंगे अखाड़े तो मुनक्खा ड्रिंक बनाकर ले जाएंगे। तो चलिए जब तक के लिए आपसे मैं पहले बोल देता हूँ गुड नाइट। तो आपसे मिलते हैं हम सुबह। एक रात लेटर। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अब हो चुकी है सुबह। आप देख सकते हो अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है, 5 बज रहे हैं। तो अब पीसता हूँ इन मुनक्खों को। अब देखिए आप ढंग से भीग चुके हैं ये। तो चलिए मिक्सी निकालता हूँ, ये रहा जग, ये रही मिक्सी, और अब इनमें थोड़ा सा पानी खिला देता हूँ थोड़ा सा। बस, और अब इनको डाल देता हूँ इसमें। डाल चुके हैं और अब इनको पीसते हैं सिंपली। तो गाइस अब टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, और मैं अभी अखाड़े से वैसे आ चुका हूँ बहुत देर का। और मैं सुबह जब मनक्खे पीस रहा था, फिर मैंने आपको जो जग में मनक्खे डाले, फिर मिक्सी हो गई थी ख़राब, उसके तार हट गए थोड़े से, तो फिर मैं अखाड़े चले गया था बिना मनक्खे लिए, जूस पी लिया था फिर मैंने। तो अब मैं आया हूँ, मिक्सी को ठीक करता हूँ, फिर आपके लिए मैं पूरा बना के दिखाता हूँ पूरा मनक्खे ड्रिंक कैसे बनते हैं। तो चलिए पहले मैं मिक्सी का उसको तार लगा लेता हूँ जो प्लग घट रहा है। तो चलिए पहले उसको तार को लगाता हूँ। तो गाइस यार मैंने ये ठीक कर लिया है, इसके थोड़े तार हट गए थे तो ये लगा लिए हैं। अब ये रहे मनक्खे, इनको मैं अब दोबारा से डालता हूँ इनमें। ये डल चुके हैं सारे, और अब इस पर इसका ढक्कन लगा देते हैं ऐसे, और अब ये इसको इसमें फिट करते हैं ऐसे।
इसको खोलते हैं ऐसे और फिर इसको लगाते हैं ऐसे और अब शुरू करते हैं। तो गाइस यार देखिए ये ऐसे हुए हैं, इनको थोड़ा सा पानी डाल के और एक और बार और ग्राइंड कर लेता हूँ। इसमें पानी भरते हैं, आ जाओ। तो पानी भर चुका है, आइए गाइस यार आइए। तो इसमें मैं डालता हूँ और फिर से चलाता हूँ। ये गाइस थोड़े ज्यादा हो गए यार, ये जग छोटा है पर चलो कोई बात नहीं है, पिस चुके हैं अब इनको छानते हैं। अभी साफ कौन करेगा? मैं ही करूंगा गाइस, कपड़े से करता हूँ। हाँ ये सफाई सिर्फ मम्मी के डर की वजह से हो रही है, वरना होती नहीं, हमें करनी पड़ती। तो गाइस ये साफ हो चुका है, वो वहां पे बर्तन और यहाँ भी है, ये निकाल के धो ले लिया है कटोरा। अब लाता हूँ छन्ना। ये रहा छन्ना, अब ये पिस चुके हैं, इनको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ जग को। आपको जितना पीना है उतना पानी आप डाल सकते हो। पानी और लाता हूँ, ये मेरे को इतना पीना है तो मैं और पानी इसमें डाल रहा हूँ और अब इनको छान लेता हूँ। अच्छी तरह से, और ये देखिए ये बन चुका है मनखा ड्रिंक रेडी हो चुकी है। तो गाइस देखिए मनक्का ड्रिंक रेडी हो चुकी है, अब इसको हम वर्कआउट करते करते बीच बीच में बीतेंगे तो उससे हम लंबे टाइम तक वर्कआउट करेंगे और हमारा गला नहीं सूखेगा और प्रोटीन मतलब जो भी हमें ताकत मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊँ ब्लॉग का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए नहीं अगली ब्लॉग तक के लिए बाय, और जल्दी मिलता हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।